अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बनाने लगी हूँ स्पॉन्ज केक, जिसके लिए हमें कुछ ज़्यादा चीज़ें भी नहीं चाहिए और ये सब चीज़ें हमारे घर में अवेलेबल भी होती हैं। और ये केक बनेगा बहुत ही इजी तरीके से और ये केक बनता है बहुत मज़े का। इंशाल्लाह आप ट्राई करें, आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। इस केक के लिए हमें चाहिए 4 अंडे, 1 कप चीनी, 1.5 कप मैदा और 1/2 कप ऑयल। ये जिस कप में ऑयल है मैंने इसी कप से मैदा और चीनी को मैयर किया, और 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर। आज 9 जुलाई है और आज मेरे भाई की बर्थडे है, तो उसके लिए मैं बनाने लगी हूँ केक। आप सब भी मेरे भाई को विश कर दें, आप सब भी मेरे भाई को बर्थडे विश कर दें। उसका नाम है हुसैन। और चलें अब हम केक बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बोल में डालेंगे 4 अंडे। बोल में मैंने डाल लिए हैं 4 अंडे, इनको करेंगे हम मिक्स। और आपने मिक्स करना है इसको फुल स्पीड पे, जो आपके पास बीटर होगा, एग बीटर होगा, हैंड मिक्सर होगा, जो भी है, आपने उसकी फुल स्पीड पे इन अंडों को मिक्स करना है। और जब ये बहुत फ्लफ़ी हो जाएंगे, मतलब इनमें बहुत झाग आ जाएगी, उसके बाद हम इसमें डालेंगे चीनी। तो चलें इसको मिक्स करते हैं। अभी मैंने अंडों को कुछ सेकेंड ही मिक्स किया, तो ये देखें ये माशाल्लाह कितने फ्लफ़ी हो रहे हैं। आपने इन अंडों को तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए मिक्स करना। अब जितना ज़्यादा अंडों को, जितनी अच्छी तरह अंडों को मिक्स करेंगे, जितने ज़्यादा आपके एग फ्लफ़ी होंगे, उतना ही अच्छा आपका केक बनेगा। अंडों को मैंने कर लिया 4 से 5 मिनट मिक्स। ये देखें ये कितना ज़्यादा फ्लफ़ी हो चुके हैं, बिल्कुल फॉर्मिंग फॉर्म में आ गए हैं। अब इसमें हम डालेंगे चीनी। आपने पूरा कप चीनी एक साथ नहीं डालनी, थोड़ी थोड़ी करके डालनी और साथ साथ इसको मिक्स करना। और ये चीनी को मैंने ग्राइंड करके स्ट्रेनर के साथ छान लिया था, ताकि इसमें जो भी लम्ब्स हैं या कोई भी चीज़ है वो निकल जाए। आपकी चीनी बिल्कुल फाइन होनी चाहिए। अब इसमें हम थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे चीनी और फिर करेंगे इसको मिक्स। पहले जो चीनी मैंने डाली थी वो हो गई है मिक्स। अब हम लोग बाकी की चीनी भी डाल देंगे और अब इसको करेंगे अगेन मिक्स। चीनी और अंडे हो गए हैं मिक्स। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून पहले बेकिंग पाउडर। ये मेरे पास बेकिंग स्पून्स हैं, अगर आपके पास ये नहीं है तो जो घर में नॉर्मल टीस्पून होता है ये आप इससे मेयर कर लें। ये भी 1.5 टीस्पून आप बेकिंग पाउडर इसमें डालेंगे। पहले 1 टीस्पून मैं डालूंगी, इसको मिक्स करूंगी और फिर 1/2 टीस्पून मैं बाद में डालूंगी। पहले ये मिक्स करूंगी, फिर 1/2 टीस्पून डाल के फिर मिक्स करूंगी। वन टीस्पून बेकिंग पाउडर हो गया मिक्स। अब मैं इसमें 1/2 टीस्पून और डाल रही हूँ। अंडे, चीनी और बेकिंग पाउडर को मैंने मिक्स कर लिया। ये देखेंगे कितना फ्लफ़ी है। जब आप केक बनाएं तो आपकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए। जितना ज़्यादा आप अंडों को, चीनी को और बेकिंग पाउडर को अच्छे से मिक्स करेंगे, उतना ही अच्छा आपका केक बनेगा। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी मैदा। मैदा भी आपने एक साथ नहीं डालना, ये बनाना है 1/2 कप मैदा। आपने इसको थोड़ा सा डालना है, मिक्स करना है, फिर थोड़ा सा डालना है, फिर मिक्स करना है। लाइक आपने थोड़ा थोड़ा करके डालते जाना और मिक्स करते जाना। अभी मैं इतना डालूंगी और इसको मिक्स करूंगी। जब आप मैदा डालेंगे और आपने ये एग बीटर से मिक्स करेंगे, तो फिर आपने स्लो स्पीड पर मिक्स करना है, क्योंकि मैदा डाल के ये बहुत थिक हो जाएगा तो मशीन सही से नहीं चलेगी। तो आप इसको स्लो स्पीड पर मिक्स करेंगे। बॉल को यूं करके मैं इसलिए मिक्स कर रही हूँ कि आपका जो समटाइम्स मैदा है वो कॉर्नर्स में ऐसे आ जाता है, तो आप इस तरह कॉर्नर्स में भी बीटर को यूज़ करें, ताकि हर जगह से इक्वली मिक्स हो। मैदा कर लिया मैंने मिक्स। अब इसमें मैं डालूंगी ऑयल। ऑयल भी आपने एक ही, मतलब पूरा कप, आधा कप जो है ऑयल, आपने पूरा अपना ऑयल एक साथ नहीं डालना,
थोड़ा थोड़ा करके डालना है। अभी इतना ऑयल में डालूंगी, इसको मिक्स करूंगी, फिर बाकी डालूंगी। केक का जो मिक्सचर है वो रेडी है। इसकी कंसिस्टेंसी देख लें, ऐसे स्मूथ और थिक है। मेरे पास जो केक का फ्रेम है, केक बेकिंग ट्रे है, उसके अंदर मैंने बेकिंग पेपर लगा लिया। अगर आपके पास ये पेपर नहीं है तो आप लोग पैन को ऑयल से ग्रीस करें, उसके ऊपर मैदा डस्ट करें और उसके अंदर ये बैटर डाल दें। अभी मैं केक का मिक्सचर इसमें डाल रही हूँ। केक को मैंने पैन में डाल लिया, ओवन मेरा ऑलरेडी प्री हीट है। मैंने ओवन को 20 to 25 मिनट्स पहले ऑन कर दिया था। अब मैं केक को बेक करने के लिए रखूँगी 15 to 20 मिनट्स के लिए। मैंने केक को किया 20 मिनट्स बेक। ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा केक रेडी हो चुका है। अब मैं आपको इसको कट करके दिखाऊँगी। अब मैं केक कट करके दिखाती हूँ आपको, ताकि आप लोग देख सकें कि ये बना कैसे है। ये देखें केक अंदर तक पक चुका है, इसका कलर कितना ज़बरदस्त आया है। इसके कॉर्नर्स जो हैं वो क्रिस्पी हैं और अंदर से ये देखें ये सॉफ्ट है।